अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का बिज़नेस आइडिया मेरा बहुत ही फेवरेट और पसंदीदा हाई फाई मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस आइडिया है। आज जिस मशीन की बात करने जा रहा हूं, इस मशीन से आप दुनिया की हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर मेरे पास सरमाया होता तो मैं ये प्रोजेक्ट ज़रूर लगाता और बिज़नेस करता, क्योंकि इससे तैयार होने वाली प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता। पाकिस्तान में ये मशीन बहुत ही कम लोगों के पास है और मुख्तलिफ मॉडल्स की ये मशीन्स हैं मार्केट में। आप इस मशीन से बड़ी बड़ी कंपनियों की प्रोडक्ट्स बनाकर पैसा कमा सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, और दूसरे वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करके चीज़ें बल्क क्वान्टिटी में तैयार करवाते हैं, ख़ुद भी बिज़नेस करते हैं और साथ साथ दूसरे होल सेलर हजरात को होल सेल रेट पर माल देते हैं। इस मशीन से आप एक नहीं हजारों चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि कुर्सियाँ, प्लास्टिक के बर्तन, बिस्कुट कंपनियों के बिस्कुट ट्रेज, ब्रश, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुनिया के तमाम पार्ट्स जिसका शुमार प्लास्टिक फॉर्म में होता है। मतलब हर कंपनी की, हर चीज़ की जो जो चीज़ प्लास्टिक फॉर्म में बनती है आप इस मशीन से बना सकते हैं। मुख्तसर अगर आपको बताऊं तो आप प्लास्टिक की दुनिया की वो तमाम प्रोडक्ट्स इस मशीन से तैयार करवा सकते हैं। अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो कहाँ से और कितने की मिलेगी, इस सेटअप को लगाने के लिए जगह कितनी दरकार होगी, बिजली का कनेक्शन कौन सा चाहिए होगा, चूँकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल का बिजनेस आइडिया है तो इसमें आपको लेबर ज़रूर चाहिए होगी, तो वो कितने बंदे दरकार होंगे, रॉ मटेरियल में क्या क्या इस्तेमाल होता है और वो कहां से मिलेगा, और रॉ मटेरियल कितनी किस्म का होता है और कौन कौन से रेट पर मिलेगा, सेल करने के हवाले से और मुनाफा कितना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त स्क्रीन पर आप जो मशीन देख रहे हैं इसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करना इंतहाई आसान है और ऑपरेट करने के लिए कम अज कम तीन बंदे दरकार होंगे, एक वो जो दाना डालेगा, दूसरा ऑपरेटर और तीसरा हेल्पर, और बिजली का कनेक्शन थ्री फेज चाहिए होगा और साथ में 50 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर भी चाहिए होगा। ये आपका कम से कम खर्चा 6 लाख रुपए आएगा। जगह आपको कम से कम एक कनाल या इससे ज़्यादा चाहिए होगी। इस वक्त इस मशीन पर हेलमेट तैयार हो रहे हैं और हेलमेट की डाई बनती है पहले, जो कि CNC मशीन पर ऑर्डर पर बनवाई जाती है, और ये हेलमेट बिल्कुल लो क्वालिटी के हेलमेट के टॉप बनाए जा रहे हैं। अगर आप मुसलसल काम करते हैं इस मशीन से तो 3 शिफ्टों में तो ही आप पार्टियों के ऑर्डर पूरे कर पाएंगे, और ये हेलमेट भी एक पार्टी के तैयार हो रहे हैं जिस पर खर्चा सिर्फ 150 से 180 रुपए आता है। तैयार होने के बाद जो सेल होते हैं 350 से लेकर 500 रुपए तक फरोख्त होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आइटम पे कितना ज्यादा मुनाफा आता है। और ये मशीन आपको हमसे नहीं मिलेगी, ये आपको अलीबाबा, अमेजोन और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इम्पोर्टर्स जो चाइना से इस किस्म का माल इम्पोर्ट करवाते हैं, आप उनसे मिलकर ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मंगवा सकते हैं। और टेक्निकल इशू की बात करें तो पाकिस्तान में कारीगर बआसानी मिल जाते हैं, और रॉ मटेरियल में हाई, सुपर, मीडियम और लोकल दाना आता है, और आपको जिस रेट के मुताबिक ऑर्डर मिले आप उस हिसाब से दाना लाहौर, गुजरावाला, शेहपुरा, मुल्तान और उकाड़ा से खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों का इस बिजनेस के हवाले से किसी किस्म का सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको बेहतर गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये मशीन आप लोगों को हमसे नहीं मिलेगी।